भाजपा की गंगा यात्रा को लेकर कांग्रेसी नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बयान दिया है कि मैं किसी यात्रा का विरोध नहीं करता हूं, पर देखना ये चाहिए उद्देश्य क्या है, उद्देश्य की पूर्ति हो रही है कि नहीं। नसीमुद्दीन सिद्दीकी आज सुल्तानपुर में थे और निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। उन्होंने कहा कि गंगा यात्रा का उद्देश्य गंगा की सफाई है, लेकिन जो होती हुई नहीं दिख रही है। पॉलिथीन बैन होने के बावजूद बिक रही है, ऐसे में गंगा कैसे साफ होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि इस सरकार में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है। भ्रष्टाचार पहले भी था, अब भी है, बस अब कीमत बढ़ गई है। उन्होंने बताया इस सरकार में सभी परेशान है नागरिकता कानून को लेकर। उन्होंने कहा कि यह कानून संविधान विरोधी है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। संविधान को बचाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा भाजपा लोगों को आपस में लड़ाकर राजनीति करना चाहती है, अब उसके बाद कोई मुद्दा नहीं है। 370 ठंडा हो गया, राम मंदिर कोर्ट ने ठंडा कर दिया। अब भाजपा राजनीति करने के लिए और लोगों का विकास से धड़कन भटकाने के लिए ये काम कर रही है। तो आपको तभी पूरा भविष्य है और आप लोग देश के भविष्य है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम हमारे विधानसभा क्षेत्र में और खासकर मां सुभावती इंटर कॉलेज और कॉन्वेंट स्कूल, जहां पर हमारे प्रबंधक जी शिक्षक गण इतनी मेहनत करते रहते हैं।